बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम धामी ने पलटा त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा फैसला। उत्तराखंड सरकार ने भंग किया देवस्थानम बोर्ड को। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक घोषणा की है। बोर्ड का लंबे समय से विरोध चल रहा था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिस चीज को लेकर लगातार तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे वो आज खत्म हो गया है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। हालांकि 30 नवंबर आखिरी तारीख सरकार की तरफ से मांगी गई थी और आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था और तब से लेकर अब तक इसका विरोध लगातार जारी था। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार ये कह रहे थे कि ये अच्छा है, जो भी ऐसे धाम है उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा ये एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्रिवेंद्र लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, लगातार वो कहते रहे कि जब तक ये वापस नहीं होगा, जब तक ये भंग नहीं होगा, तब तक किसी भी नेता की जो एंट्री है वो चार धाम में नहीं करने दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत 51 मंदिरों की देखरेख के लिए एक्ट बनाया गया था, जिसका लगातार तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये सनातन धर्म को से जुड़ा मुद्दा है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर विपक्ष की हम बात करें तो हरीश रावत साफ तौर पर ये कह चुके थे कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे, लेकिन ये मुद्दा भी कांग्रेस के हाथ से चला गया है। तो वो बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है, जिस बात की आशंका लगातार लोग जता रहे थे। दरअसल सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि जिस तरह से सरकार कृषि कानून वापसी बिल को लेकर कल लोकसभा राज्यसभा में उसे पास करा चुकी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वापस लेने की बात कहते हैं इन बिलों को, ऐसे ही उत्तराखंड में भी होगा और वही हुआ। आज पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक घोषणा कर दी है और इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। तो 15 उम्मीदवार खड़ी करेगी, ऐसा तीर्थ पुरोहित कहते हुए नजर आ रहे थे। महापंचायत समिति का गठन होगा, ऐसा तीर्थ पुरोहित कह रहे थे। एक बड़ा विरोध जो है वो लगातार सरकार झेलती हुई नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन दिसंबर में होना है उत्तराखंड में, तो इसको लेकर भी पहले ही तीर्थ पुरोहित चेता चुके थे कि अगर यहां पर ऐसा होता है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं इस दौरे का भी हम विरोध करेंगे। सरकार लगातार आश्वासन दे रही थी लेकिन उसके बावजूद भी विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आखिरकार आज इसे भंग कर दिया गया है। इस पे खूब सियासत हो रही थी क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। उत्तराखंड में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, हर कोई इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहा था, विपक्ष खासकर, लेकिन ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनता बनता रह गया है। आज बड़ा फैसला लिया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से, देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि लंबे समय से इसका विरोध चल रहा था। 2020 जनवरी में इस बोर्ड को बनाया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना। 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना हुई और तब ये कहा गया था कि जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, उनकी देखरेख के लिए बोर्ड सही है, ये एक्ट सही है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया था और पिछले कई महीनों से विरोध जो है वो काफी ज्यादा तेज हो रहा है। जो तीर्थ पुरोहित है उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हक हकूकदारी है उनका कहीं ना कहीं इससे जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा है। सनातन का मुद्दा है या आस्था का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, इसलिए इस एक्ट को खत्म करना होगा, देवस्थानम बोर्ड को भंग करना होगा। और आखिरकार आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। परंपरागत अधिकार जो है इस बोर्ड ने खत्म कर दिए थे, ऐसा तीर्थ पुरोहित कहते हुए नजर आ रहे थे। इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश बहुत हुई लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया, वो तारीख आ गई जिस दिन इसे भंग कर दिया गया है। हालांकि यहां पर पूरी तरह से चेतावनी दे दी गई थी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कि आने वाले समय में अगर जो आखिरी तारीख दी है, जो डेडलाइन सरकार ने दी है, उस पर फैसला नहीं लिया जाता तो फिर आगे बड़ा आंदोलन और एक महापंचायत जो है वो भी होगी। लेकिन अब आज ये बड़ा फैसला ले लिया गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार पीछे हट रही है। पहले
किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पीछे हटी है, अब उत्तराखंड में पीछे हटी है, तो साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये डर है सत्ता पक्ष का कि 2022 में वो हार जाएंगे और इसी वजह से अब जो तमाम बड़े फैसले लिए थे जिन पर एक वक्त था जब सरकार अड़ी हुई थी कि ये चीज वापस नहीं होगी, ये सिर्फ हित में है, लेकिन अब उन चीजों को वापस लिया जा रहा है, चाहे वो कृषि बिल हो, चाहे वो अब देवस्थानम बोर्ड को भंग करना हो। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। अगर आप देखेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ही महीनों में बड़े बड़े फैसले लिए हैं जिसको लेकर उनकी तमाम तारीफ भी हो रही है। मेरे सहयोगी सुभाष गौर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। सुभाष, बड़ा मौका है आज सरकार के लिए, हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को बहुत तेजी के साथ घेरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन विपक्ष के लिए मुद्दा खत्म है, सरकार के लिए मौका बनाने की कोशिश। बिल्कुल, देवस्थानम बोर्ड की जो मांग लगातार लंबे समय से तीर्थ करते हुए नजर आ रही है तो भंग किया जाए, वो आज सरकार ने भंग करने का ऐलान कर दिया। और राज्य सरकार की आगामी जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें इसको रखा जाएगा और भंग करने तरफ से भंग किया जाएगा। हालांकि इसको भंग करने में काफी लंबा समय तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बोर्ड बनने के बाद कहा गया था कि मंदिरों के लिए बहुत अच्छा ये बोर्ड होगा, बहुत अच्छा बोर्ड होगा, लेकिन इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा राज्य सरकार, क्योंकि तीर्थ पुरोहित उनसे नाराज हो गए। कुछ महीने में चुनाव से पहले उनका जो प्रदर्शन था वो विशाल रूप में अब बिल्कुल सुभाष देखा जाए तो जब 2 साल पहले इस बोर्ड को बनाया गया था तब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते थे कि ये जो चार धाम है या फिर तमाम जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और तुरंत इसको खत्म कर देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार को डर है चुनावों में, क्या ये सही है? बिल्कुल डर था, इसी वजह से राज्य सरकार ने अपना बदला, और यही कारण है कि चुनाव के मैदान में भाजपा को उतरना है, कांग्रेस को भी उतरना है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी उनको कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े चुनाव के मैदान में, और यही वजह थी कि उन्होंने अपना बंद किया। हालांकि सरकार 30 नवम्बर तक का मांगा गया था, 5-30 नवम्बर है जिस दिन ये बोर्ड भंग किया जा रहा है, लेकिन बच्ची ये है कि कहीं ना कहीं चुनावों में नुकसान ना भाजपा को उठाना पड़े, बोर्ड का भंग किया जाना अनिवार्य था, और कोशिश लगातार सरकार कर रही थी कि तीर्थ पुरोहितों को बनाया जाए, समझाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, और जो उनकी मांग है उनको इसमें लाया जाए, लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि बोर्ड भंग हो चुका है। बिल्कुल सुभाष, और देखा जाए तो उत्तराखंड में चाहे वो मैदानी इलाके हों चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, जो तीर्थ पुरोहितों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण वर्ग जो है वो भी बहुत ज्यादा है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक जो पूरा जो वोटर सेट था उन्हें बुराने की कोशिश पुरजोर तरीके से बीजेपी ने कर ली है। लेकिन हरीश रावत ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देवस्थानम बोर्ड को वो भंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उम्मीदें तो टूट गई हैं, एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ से निकल गया। देवस्थानम बोर्ड ही विपक्ष का मुख्य मुद्दा नहीं था, विपक्ष का जो मुद्दे थे वो थे बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार, इन मुद्दों को लेकर जरूर कांग्रेस मैदान में उतर रही है, और यही मुद्दे हैं जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं मीडिया में, जिसमें वो कह रहे हैं कि खासतौर से जो रोजगार की सरकार देने के लिए वो रोजगार सरकार ने नहीं दी, बेरोजगारी का स्तर प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़, इसके साथ ही कुछ सुविधाएं कोरोना के समय तरीके से लोग परेशानियां झेलनी पड़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो बेहतर होनी चाहिए वो नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा विपक्ष उठा दिया वो है महंगाई का। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विपक्ष का सभी मुद्दे बहुत है, लेकिन बिल्कुल सुभाष, और अब देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है, आगे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो समिति बनाई गई थी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, आगे उनकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से आगे काम होगा, क्योंकि चार धाम जो हैं वो तो अभी बंद है, लेकिन जो तमाम मंदिर हैं, जो तमाम मठ हैं, जिनकी देख रेख देवस्थानम बोर्ड की तरफ से की जा रही थी, अब आगे क्या फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल, जैसे पहले चलता था मंदिर समिति की तरफ से तो के उनको वो पहले की तरह फिर से रोक दिए जाएंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि पहले सरकार का इंटरफेयर कहीं ना कहीं मंदिरों में होता था, क्योंकि जो बद्री मंदिर केदार समिति थी वो इन मंदिरों को संचालित करती थी, क्योंकि सुविधाएं
फायदा राज्य सरकार ठीक है सुभाष, शुक्रिया तमाम।